चार ग्रुप बनेंगे। यावत से मैं सीनियर साफी मान मेडिकल इंस्टीट्यूट के हमारे साथ इस साल की मेयर मैं सबसे पहले वो सामना करते हैं, तो यही हमारा मकसद है। और आबिद भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स कमेटी ने मेरा तो ये कहना है कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी इंशाल्लाह आगे और बहुत से वाक्य आएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा मेजर नवीन साहब से कि वो आरएमआई के मुतालिक और इस टूर्नामेंट के मुतालिक अपने ख्याल का इजहार करता हूँ। 25 अप्रैल तक मुनाकिद होगा और 28 अप्रैल को उसका फाइनल खेला जाएगा। हमारे पास इस वक्त 20 टीमें रजिस्टर्ड है जो पेशावर प्रेस क्लब के अरकीन पर उनका बाकायदा पहले से नाम, हमने एक महीने पहले से उनसे नाम मांगे। तमाम किट्स जो टीमें मुंतखब हुई 20 टीमें उनको ड्रास की मदद से जो फ्रेंचाइज नेम है पहचान, क्योंकि हर एक बताया कि टूर्नामेंट इंशाल्लाह जिस तरह आप जो उसकी तो इस वक्त रजिस्टर्ड है 14 खिलाड़ी पर टीम, 20 टीमें, 25 दिन प्लेइंग, 47 टोटल मैचेस है, 40 उसमें से राउंड मैचेस है जो है वो मुंतखब की जाएगी। जो ज्यादा मैचेस जीतने पे इन पॉइंट्स टेबल पे, या अगर दो टीमें इक्वल पॉइंट्स हासिल कर सके तो उसके बाद जो है वो नेट रन रेट पे जो है वो फैसला किया जाएगा। वो अपने ख्याल आया तो वो उससे भी बेहतर था, तो अब वो कह रहे हैं कि ये तीसरा हो तो ये मतलब कि सबसे बेहतर हो, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें है भाई, तो वो सीनियर लोग जो है वो भी इन टीमों में है और वो भी ग्राउंड में एक्शन में नजर। क्रिकेट लीग जो है वो स्पॉन्सर करके और जिस तरह वो सी पैक में चैनल और पाकिस्तान किसी को ऐसा नहीं कर रहा है, बनेगा पेशावर प्रेस क्लब के लिए। अरे जो है पेशावर प्रेस क्लब के अकाउंट से 1 रुपया नहीं कास्ट करें। एजाज अफरीदी न्यू टीवी से कोई दोस्त है? पीबीसी कबायल के चुके कप्तान मौजूद नहीं है। ग्रुप के लिए